वेल हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेफ्ट फॉर डेड गेम की स्टोरी को। और अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत पेंसिल्वेनिया में फर्स्ट इन्फेक्शन के दो हफ्ते बाद शुरू होती है, जिस इन्फेक्शन का नाम ग्रीन फ्लू है, जो कि हाईली कंटेजियस वायरस है जो इंसानों में बड़ी तेजी से फैलता चला गया और उनमें अजीबोगरीब सिम्टम दिखाई देने लगे। सीधे शब्दों में कहें तो वो जॉम्बी बन गए, लेकिन कुछ अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब हुए, जैसे कि बिल, जोई, फ्रांसिस और लुइस फेयरफील्ड, जो कि इस सिटी में आते हैं। यहाँ बिल को पता लगता है कि इन्फेक्शन होस्ट में खतरनाक म्यूटेशन पैदा कर रहा है और बोलता है कि वो विकसित हो रहे हैं, पर तभी उनको रोने की आवाज सुनाई देती है जो एक रूम से आ रही है, जिसके अंदर बिल और जोई आहिस्ते आहिस्ते जाते हैं और फ्रांसिस लुइस बाहर पहरेदारी करते हैं। यहाँ बिल और जोई को एक न्यू फीमेल इन्फेक्टेड जोम्बी मिलती है जो रो रही है, जिसके बाद लुइस अपनी ओर आ रहे जोम्बी की भीड़ देखता है और वो दोनों उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। फिर लुइस बिल और जोई को बताने के लिए रूम में आता है और फीमेल जोम्बी के फेस पर लाइट मारता है, जिससे कि वो जोम्बी उन तीनों को देख लेती है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है और झट से बिल दरवाजा बंद कर देता है और लुइस दरवाजे को दबाए रखता है, लेकिन फिर भी वो जोम्बी अपने हाथों से दरवाजा तोड़ देते हैं और लुइस घबराहट के चलते उस जोम्बी के हाथ पर अंधाधुंध गोली फायर करता है, जिससे कि वो जोम्बी वही मर जाती है। पर उसी वक्त उसकी टीम बाहर के जोम्बीज से निपट रही होती है, जिस दौरान बिल को एक जोम्बी पकड़ लेता है और बिल को ऊपर खींच रहा होता है, जिसको बचाने के लिए फ्रांसिस उस जोम्बी के फेस पर शॉटगन से गोली फायर करता है और बिल को बचा लेता है। अनकंट्रोल जोम्बी की भीड़ को रोकने के लिए जोई जोम्बी की ओर एक डेटोनेटर बॉम्ब फेंकती है और सारे जोम्बी उस धमाके से मारे जाते हैं, जिसके बाद लुइस हेलीकॉप्टर को देखते देखते मेन रोड पर आ जाता है और छत से एक जोम्बी लुइस पर कूदता है और हमला करने लगता है, जिसको बचाने के लिए वहाँ जोई आती है और फिर जोम्बी पर अनगिनत गोलियां फायर करती चली जाती है, जिसके बाद लुइस उस जोम्बी पर गोली फायर करता है और उसे मार देता है। वो जोम्बी कार की डिक्की पर गिरता है, जिससे वो कार बजने लगती है और शहर के सारे जोम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान वो सारे एक बड़े हट्टे कट्टे जोम्बी को देखते हैं जो बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसको वो गोली मारते मारते यहाँ से भागते हैं। और लुइस को उसी वक्त एक लैडर नजर आती है जिस पर जोई और लुइस चढ़ जाते हैं और बिल और फ्रांसिस को ऊपर से कवर देते हैं, जिनको रोकने के लिए वो बिग जाइंट जोम्बी बड़ा सा पत्थर फेंक के मारता है और वो जोम्बी जोई का पीछा करते हुए छत पर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वेट के कारण वो नीचे जा गिरता है और जोई को गिरने से फ्रांसिस बचा लेता है और वो सारे बिल्डिंग की छत पर होते हैं, जहाँ उनके सामने से वही हेलीकॉप्टर का पायलट अनाउंस करके जाता है कि तुम लोगों को मार्सी हॉस्पिटल की छत पर आना है। फिर वो चारों यहाँ से हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं और छत पर आ जाने के बाद वो रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं और जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आ जाता तब तक वो सभी जोम्बी की आर्मी से लड़ते हैं। हेलीकॉप्टर के आने पर उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पायलट इन्फेक्टेड हो जाता है और जोई को उसे गोली मारनी पड़ती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर शहर के बाहर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद वो शहर में एक डिलीवरी ट्रक ढूंढते हैं जो वेपन से लैस है, जिसकी मदद से वो सारे रिवर साइड के छोटे शहर में पहुंचते हैं, जहां से वो ट्रक आगे नहीं जा सकता क्योंकि कार्स ऑयल ट्रक ने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा है। फिर वो यहां से पैदल रिवर साइड हाउस जाते हैं, जहां उनको एक रेडियो मिलता है जिसकी मदद से वो जॉन स्लेटर से बात करते हैं और जॉन थोड़ी देर में अपनी बोट लेकर आ जाता है, जिसमें वो सारे चढ़ जाते हैं और जॉन उन सभी को नदी के दूसरी तरफ न्यूबर्ग शहर में छोड़ देता है, जहां वो बड़े से ग्रीन हाउस प्लांट में रेस्ट करते हैं और उनके ऊपर से एक मिलिट्री एयरप्लेन जाता है जिसका नाम C-130 हरक्यूलिस है, जिससे उनको पता चल जाता है कि ये एयरप्लेन इस शहर के एयरपोर्ट पे उतरेगा और यहां से वो सीधा मेट्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं। लेकिन जब वो रनवे की तरफ जाते हैं तो उनके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है, तो वो फिर सीधा C-130 हरक्यूलिस की ओर बढ़ते हैं, पर उसमें फ्यूल नहीं होने के चलते वो सबसे पहले प्लेन में फ्यूल भरते हैं और प्लेन में बैठ के निकल जाते हैं, जिसकी मदद से वो सभी एलेग्रेनी नेशनल फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जो रेल की पटरियों की तरफ से गुजरते हुए फार्म हाउस में पहुंचते हैं, जहां उनको रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से एक सोल्जर उनको बताता है कि एक मिलिट्री
APC व्हीकल थोड़ी देर में तुम तक पहुंच रही है, जिसमें बैठकर तुम सभी यहां से निकल सकते हो। व्हीकल उन सभी को मिल हेवन शहर में छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद वो क्रैश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिल हेवन मिलिट्री के एको सेफ जोन में जाते हैं, जहां से निकलने के बाद वो जॉर्जिया के रेफर्ड शहर के बंदरगाह जाते हैं, जहां उनको एक ब्रिज मिलता है जिस पर एक लिफ्ट होती है, जिसको ऑन करने के लिए कई सारे जनरेटर को रीस्टार्ट करना होगा, जिससे ब्रिज की लिफ्ट नीचे आ जाएगी और सारे लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं और लिफ्ट का बटन दबाने से लिफ्ट दोबारा ऊपर जाती है। फिर यहीं बिल अपना सैक्रिफाइस करते हुए आखिरी जनरेटर को ऑन कर देता है और ज़ॉम्बियों के हाथों मारा जाता है, लेकिन अपना बलिदान करके वो अपने सभी साथियों को बचाने में कामयाब होता है। इस तरह की परिस्थिति में किसी की जान ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बिल ने अपना सैक्रिफाइस करके अपने बाकी दोस्तों की जान बचा ली। इस सबके एक हफ्ते बाद बाकी के बचे तीन लोगों का सामना बचे हुए चार लोगों से होता है। उन तीनों से अपनी कार के साथ नदी पार करने की मांग करते हैं, तो जोई और फ्रांसिस उन्हें बताते हैं कि जनरेटर को फिर से शुरू करने के लिए तुम्हें नदी के उस पार जाना होगा, और वो ग्रुप नदी को पार करने के लिए आते हैं, जिनका ग्रुप लुइस जोई फ्रांसिस से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ न्यू ऑरलियंस चलना चाहोगे, क्योंकि आर्मी वहाँ एक्टिव है। वहाँ जाने के बाद आर्मी उनसे पूछती है कि तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो, बदले में वो सभी ना कहते हैं, और फिर लुइस जोई फ्रांसिस अपनी बोट को लेकर फ्लोरिडा कीज निकलते हैं, और ये गेम यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं इसके सेकंड चैप्टर पे भी जरूर काम करूंगा, और अगर आपके मतलब का कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय।